गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का ये वीडियो नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द करेक्ट है। यहाँ पे चार ऑप्शन देके रखे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें हमें सिर्फ कौन से नंबर्स दो पुटअप करना है, 0 और 1, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें हर जगह हम 0 और 1 रख सकते हैं। ऑप्शन है 27, 18, 81 और 512। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इट मींस अगर ऑर्डर 3x3 का है तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 9। मतलब हमारे पास उस मैट्रिक्स में 9 पोजीशन होगी, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 9 पोजीशन। तो देखो नंबर ऑफ चॉइस फॉर A11, 9 पोजीशन तक। अब 11 पे हम कितने बार रख सकते हैं, 0 और 1 ओनली 2 टाइम्स। मतलब 0 और 1 रखने की कंडीशन कितनी है, 2 टाइम्स। या तो हम 0 रखेंगे या 1, एज इट इज A12 पे हम कितनी बार रखेंगे, 2 बार। क्या रखेंगे, 0 और 1। मतलब हर एक पोजीशन पे हम सिर्फ 0 और 1 ही पुटअप कर सकते हैं। मतलब हर पोजीशन के लिए चॉइस कितनी रहेगी, 2। एज इट इज हम कहां तक चेक करेंगे, टोटल 9 पोजीशन, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस पे भी चॉइस कितनी है, 2, 0 और 1। ऐसे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो गए, ये 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखेंगे, 9 पोजीशन है तो 9 बार, मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 9। इट मींस 512 हमारा आंसर है, 512। तो चूज द करेक्ट में ये आंसर कहां पर आ रहा है, डी पोजीशन पे। मतलब हमारा चूज द करेक्ट का आंसर है डी, 512।